आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेल मालिश के फ़ायदों के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़रा सी तेल मालिश से आप कितने ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि तेल मालिश करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड सारे टिप्स एंड वीडियो शेयर करते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि तेल मालिश के कितने फ़ायदे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर अपनी दादी माँ को, दादा दीची को हमेशा ही वो तेल लगाते हैं। आजकल हम तेल को इतना अवॉइड करते हैं, ऐसा लगता है कि स्किन ऑयली हो जाएगी। और यही रीज़न है कि आजकल देखोगे आप बहुत कम एज में बच्चों में थकान होने लगती है, मसल्स पेन होता है, बोन पेन होता है। इसका रीज़न यही है, तेल मालिश जो करते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स को ताकत मिलती है और उनको कभी भी जोड़ों में दर्द ऐसी शिकायत जल्दी नहीं होती। इसके अलावा तेल मालिश से सिर्फ हड्डियां ही मजबूत नहीं होती हैं बल्कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी जो बॉडी की स्टिफनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है तेल मालिश के। तेल मालिश से आपकी सिर्फ बॉडी में फ़ायदा नहीं है, मतलब इसका माइंड में भी काफ़ी फ़ायदा है। अगर आप तेल मालिश रोज़ाना करते हो तो आपका माइंड है वो शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। इससे आपको नींद अच्छी आती है और नींद से जुड़ी परेशानियां जैसे इंसोमिया जो आजकल ज़्यादातर लोगों को हो रहा है वो भी आपको नहीं होती है। इसके अलावा तेल मालिश से हमारे जो आंतरिक ऑर्गन होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, हमारा सिस्टम अच्छा रहता है क्योंकि बॉडी में ऑयल रहता है। जैसे आप शरीर को एक मशीन की तरह समझो, जैसे अगर आप मशीन को स्मूथ चलाना चाहते हो तो फिर उसमें आपको ऑयल डालना पड़ेगा। सेम चीज़ है, अगर आप रोज़ाना ऑयल मालिश करोगे, तेल मसाज करोगे तो इससे आपका सिस्टम मजबूत रहेगा, क्लीन रहेगा और आप ज़्यादा उम्र तक जी पाएंगे और यंग और एक्टिव रह पाएंगे। तेल मालिश को बोला जाता है कि अगर तेल मालिश करते हैं तो बुढ़ापा नहीं आता है। जी हाँ, तेल मालिश करने से फेस पर जो फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, त्वचा काफ़ी सॉफ्ट और बनती है। इसके अलावा तेल मालिश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ मेन फ़ायदे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आप तेल मालिश करोगे एक महीना, अपने आप अपनी बॉडी में डिफरेंसेस आपको दिख जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि तेल मालिश करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो तेल मालिश करते समय ध्यान रखें कि आप सुबह के समय करें। जी हाँ, माना कि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन अपनी शरीर के लिए 10-15 मिनट तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। आपको तेल मालिश करने से पहले तेल को हल्का सा गुनगुना कर लेना है और फिर अपनी बॉडी पर अच्छे से लगाना है। अगर आप तेल थोड़ा गुनगुना कर लोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बुखार है, डायरिया है, कफ बन रहा है शरीर में, उस टाइम पर तेल मालिश ना करें। इसके अलावा महिलाएं ध्यान रखें कि पीरियड्स में भी आपको तेल मालिश नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।